नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं, कुछ WhatsApp पर, कुछ मैसेंजर पर सवाल आ रहे हैं। अगली कुछ वीडियोस में मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा अपने उन फेसबुक फ्रेंड्स का, अपने रियल फ्रेंड्स का, खासकर श्री परमानंद डेगा जी का, डॉक्टर रविंदर जी सिंह आनंद जी का, डॉक्टर हरविंदर कौर का, राशि बांसल, भरत गोयल, नम्रता सिंगला, हरप्रीत कौर, शिवानी, प्रीत कौर, जिन्होंने फेसबुक पर मेरी इन वीडियोस को शेयर किया है अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैथमेटिक्स में बच्चों की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसको हम बढ़ा सके। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और आज मैं एक खास चर्चा लेकर यहां पर हाजिर हुआ हूं आपके सामने, एक उन सवालों के जवाब लेकर जो आम तौर पर विद्यार्थी मुझसे क्लास में भी पूछते हैं, बाहर भी कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब आज मैं इस यूट्यूब के इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आपके भी दिमाग में अक्सर यह सवाल आता होगा कि 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों? ठीक है कि अगर आपने 2 पावर 3 करना है तो आप 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करते हैं, जवाब आ जाता है 8। तो 2 पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों? 2 को 2 के साथ 0 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 कैसे आ जाएगा? दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में अक्सर आता है कि जैसे हम फैक्टोरियल करते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो हम करते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जवाब आ जाता है 7। 6 24 120, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 120। इसी तरह हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन जब बात आती है 0 फैक्टोरियल की तो हम लिख देते हैं 1। ये क्यों? 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे? ये भी सवाल हमारे दिमाग में आता है, कोई पूछता है तो हम कहते हैं तो ये अजम्पशन है। ये अजम्पशन नहीं है, इसका भी आपके पास हल है। तीसरा सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो जवाब 0 क्यों, और 11 को 0 से डिवाइड करता हूं तो जवाब नॉट डिफाइंड क्यों, और अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करता हूं तो जवाब इनडिटरमिनेट क्यों? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एक गणित के विद्यार्थी को अक्सर कचोटते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, परेशान करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि इन सवालों का जवाब कहां से लाया जाए। तो इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जो है मैं आज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को गणित के जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके संपर्क में हैं, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे कॉलेज के हैं, उनके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या और किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू जिसे आप यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 के पावर 0 या किसी भी नंबर के पावर अगर हम 0 करते हैं तो जवाब 1 क्यों आता है? चलिए मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं। चलिए हमने 5 का पावर 1 अगर करना है तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 5 सीधा जवाब आ गया। अगर मैं कहूं 5 को पावर 2 कीजिए तो आप कहेंगे 5 गुणा 5 25, बिल्कुल ठीक है। 5 के पावर 3 आप कहेंगे 125, 5 के पावर 4 आप कहेंगे 625, 5 के पावर 5 आप कहेंगे 3125, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इस प्रोसेस को आप रिवर्स में देखना शुरू कीजिए तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। 5 के पावर 5 जो है वो 3125 है, तो जब आप 5 के पावर 5 से 5 के पावर 4 पर गए, 1 पावर आपने कम कर दी, तो यहां क्या हुआ कि आपने 3125 को 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया जवाब आ गया 625। फिर आप यहां से ऊपर गए
पांच के पावर चार से पांच के पावर तीन तक, तो फिर आपने 625 को पांच से डिवाइड किया, जवाब आ गया 125। पांच के पावर तीन से पांच के पावर दो पर गए तो आपने 125 को पांच से डिवाइड किया, जवाब आ गया आपका 25। पांच के पावर दो से पांच के पावर एक तक गए, आप एक 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 पावर कम कर रहे हैं तो 25 को पांच से डिवाइड किया, जवाब आ गया 5। इसी तरह से अगर आप पांच के पावर जीरो पर जाएंगे तो आपने इधर भी एक पावर और कम कर दी, तो इधर क्या करेंगे आप पांच से फिर एक बार डिवाइड करेंगे, तो पांच से एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 1। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं कि इधर पावर एक और कम कर दीजिए, पांच के पावर माइनस एक, तो जवाब क्या आना चाहिए, एक को आप पांच से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 1/5, और इससे आप भलीभांति परिचित हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक सवाल था आपके पास कि किसी भी पावर, किसी भी संख्या के पावर अगर हम जीरो करते हैं तो एक क्यों आता है, इसका जवाब आपको मिल चुका है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है आपका कि जीरो के फैक्टोरियल अगर हम करें तो एक कैसे आ जाता है, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। अगर आपका एक का फैक्टोरियल है तो जवाब एक, दो का फैक्टोरियल है तो आप दो गुणा एक करेंगे, जवाब दो, तीन का फैक्टोरियल है तीन गुणा दो करेंगे, जवाब आ जाएगा 6, चार का फैक्टोरियल है चार गुणा तीन गुणा दो, जवाब आ गया 24, पांच का फैक्टोरियल है अभी अभी हमने देखा था 120, एंड सो ऑन, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार फिर आप रिवर्स में जाना शुरू कीजिए, पांच के फैक्टोरियल से आप चार के फैक्टोरियल पर वापस जाइए तो आपने 120 को पांच से डिवाइड किया, जवाब आ गया 24। चार के फैक्टोरियल से तीन के फैक्टोरियल पर जाइए तो आपने 24 को चार से डिवाइड किया, जवाब आ गया आपके पास 6। तीन के फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल पर जाइए तो आपने 6 को तीन से डिवाइड किया, जवाब आ गया 2। दो के फैक्टोरियल से एक के फैक्टोरियल पर जाइए तो आपने दो को दो से डिवाइड किया, जवाब आ गया 1। इसी तरह अगर आप एक फैक्टोरियल से जीरो फैक्टोरियल पर जाएंगे तो आप एक को एक से डिवाइड करेंगे और जवाब आ जाएगा आपके पास 1। तो ये कारण है कि आपका जो जीरो फैक्टोरियल है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आप इस रिवर्स प्रोसेस से इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तीसरा सवाल, तीसरी तरफ चलते हैं हम। हमारा तीसरा सवाल है कि किसी भी संख्या से अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं तो जवाब 0 क्यों आता है। इसका भी जवाब बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप 33/11 करें तो आपके पास 3 आ रहा है, ये 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप 11 को 11 में 3 बार अगर जोड़ेंगे तो आपके पास 33 आ जाएगा। 22 को आप 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 को 11 में कितनी बार जोड़ा जाए कि 22 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 बार, तो वही जवाब यहां पर 2 आएगा। 11/11 की बात करें तो 11 को 11 में कितनी बार जोड़ा जाए कि जवाब 11 आ जाए, आप कहेंगे 1 बार। इसी तरह से अगर आपको मैं कहूं कि 11 को 11 में कितनी बार जोड़ा जाए कि जवाब 0 आ जाए, तो आपका जवाब होना चाहिए 0 बार, एक बार भी नहीं जोड़ेंगे तो जवाब आ जाएगा 0, इसीलिए ये 0 है। ये थोड़ा सा साधारण था, थोड़ा सा आगे चलते हैं 11/0 की तरफ। अब हम इसकी बात करते हैं 11/0 या किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं कहूं 11/1 तो आप कहेंगे 11, और ये 11 क्यों आया, बिल्कुल उसी लिए कि आप 1 को 1 के साथ 11 बार जोड़ें, 1+1+1+1+1 11 times, तो आपके जवाब आ जाता है 11। तो ये क्योंकि 1 1 1 1 11 बार जोड़ा है आपने, जवाब आ गया 11। अगर मैं कहूं 11/0 तो इसी तरह से अगर देखें और मैं आपसे कहूं कि आप 0+0+0 कितनी बार करें कि जवाब आपका 11 आ जाए, तो ये कभी भी नहीं आएगा। आप जितनी बार मर्जी से जोड़ते चले जाए आपका जवाब हमेशा 0 रहेगा, इसका मतलब ये कभी 11 आएगा ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आंसर इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है कि कितनी बार जोड़कर इसे 11 आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग जो सवाल है वो आखिरी सवाल है कि 0/0
एक डिटरमिनेंट क्यों है। तो अगर 0/0 की बात करें तो जैसे हमने पहले 0/11 और 11/0 की बात की थी, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 0 को हम 0 के साथ एक बार ही ऐड कर दें तो जवाब हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका जवाब 1 आना चाहिए क्योंकि हमने 0 को 0 के साथ एक बार ऐड किया, 0 आ गया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 0/0 को मैं 2 लिखूं तो भी क्या हर्ज है, क्योंकि 0+0 करेंगे तभी तो 0 आ रहा है। कोई और कहेगा 3 लिख दें तो क्या हर्ज है, क्योंकि 0+0+0 3 बार करेंगे तभी तो 0 आएगा। कोई कहेगा 4 बार कर दें तभी भी यह जवाब है। सो इसका मतलब कि 0/0 जो है वो इनडिटरमिनेट है, उसको डिटरमिन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप 0 को जितनी बार चाहे 0 में जोड़ लें जवाब 0 ही आने वाला है। तो 0/0 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इन्फिनिटी भी है, कुछ भी है। तो इसका मतलब 0/0 जो है वो इनडिटरमिनेट है, उसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता कि कितनी बार 0+0 करके आंसर 0 आएगा। जितनी बार मर्जी करते हैं आंसर 0 आएगा। सो हर एक नंबर्स का आंसर है, और जहां पर आंसर यूनिक नहीं होता है वहां पर हम कहते हैं कि इट इज इनडिटरमिनेट। सो 0/0 इज इनडिटरमिनेट। तो मुझे लगता है दोस्तों को आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े बहुत आपके क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, और अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं तो वो भी पूछेंगे मैसेंजर के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9041404543 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी आप अपना सवाल मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर वो सवाल को हल करने में मैं कामयाब हो गया तो मैं YouTube की अपनी वीडियो के जरिए आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि हर एक सवाल मैं हल कर ही सकता हूं, लेकिन जो भी सवाल मैं हल कर सकूंगा उसे मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। एक बार फिर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके सहयोग से मेरे इस चैनल की सब्सक्रिप्शन 500 के पार हो गई है, और उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो ये 1000, 2000, 4000 के भी पास जाएगी। आपके साथ मैं यूं ही जुड़ा रहूंगा, यूं ही आपके साथ चर्चा चलती रहेगी, जो नॉलेज है वो भी शेयर होती रहेगी और एंटरटेनमेंट भी हम शेयर करेंगे। तो नॉलेज एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।